नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का ये 17वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुषाण वंश की। कुषाण वंश के जो भी शासक रहे हैं और उसकी स्थापना कब हुई, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप हमारे सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे हमारे लर्न ईजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी सीरीज है प्राचीन भारत, इसके सभी वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि कुषाण वंश का है। और आज हम बात करेंगे कुषाण वंश की। कुषाण वंश ये एक वंश ऐसा है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश रहा है और इसमें बहुत ही प्रतापी शासक कनिष्क का शासनकाल रहा है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, आगे करेंगे। तो अगर हम बात करें कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश मौर्य साम्राज्य के बाद पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक विस्तृत था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था वो एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था। जो मौर्य साम्राज्य था वो भी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और उसके बाद जो भी शासक आए हैं तो उनका जो साम्राज्य था वो उतना विशाल नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य का जो शासन था उसमें विशालता जो थी, उतनी विशाल साम्राज्य बाद के जो वंश थे उनमें नहीं थी। तो मौर्य वंश के बाद जो कुषाण वंश था वो पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव इतनी दूर तक फैला हुआ था। इस वजह से ये कुषाण वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। ये जो साम्राज्य है कुषाण वंश, यह रोम, पार्थिया और चीन साम्राज्य के समान था। ये वंश जो था कुषाण वंश का जो साम्राज्य था वो रोम के साम्राज्य, पार्थिया के साम्राज्य और चीन के साम्राज्य के बराबर था। इट मीन्स ये एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। जो कुषाण वंश था उनके संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। जो कुषाण वंश था उसका संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है और उसमें कैटेगरीज होती हैं कि किसी न किसी वंश का संस्थापक पूछा जाता है, तो इस वजह से हर वंश का संस्थापक याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो एक चीनी कबीले, उस जो कबीला था उसका नाम था यू ची। तो जो कुजुल कटफिसेस था वो एक चीनी कबीला यू ची का सरदार था और यहीं से उसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं कुजुल का शासन। तो कुजुल का जो शासन काल रहा वो 1565 ईस्वी के बीच माना जाता है। कुजुल का जो शासन काल है वो 1565 ईस्वी के बीच माना जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं है, 1565 ईस्वी। तो कुजुल का शासन 1565 ईस्वी के बीच माना जाता है। कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के ही जारी करवाए थे। यहाँ पर एक फैक्ट है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों के शासनकाल में चलाए गए थे, लेकिन जो संस्थापक था उसने अभी सोने के सिक्के नहीं चलाए हैं। तो अभी जो कुजुल है 1565 ईस्वी के बीच जो कुजुल का शासनकाल है इसमें अभी सोने के सिक्के जारी नहीं करवाए गए हैं। तो कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के ही जारी कराए। तो जो कुजुल का शासनकाल था उसमें सिर्फ और सिर्फ तांबे के सिक्के ही प्रचलन में थे। कुजुल कटफिसेस के बाद उसका पुत्र विम कटफिसेस उत्तराधिकारी बना। कुजुल कटफिसेस की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था विम कटफिसेस वो कुषाण वंश का शासक बना। अगला शासक विम कटफिसेस था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के विम कटफिसेस ने ही चलाए थे। अब अगर हम वंश के बाद अगर हम बात करें शासक की, तो विम कटफिसेस ने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। अगर हम बात करें काल की,
तो काल में कुषाण काल है जिसमें सोने के सिक्के चले, लेकिन अगर उसी में हम बात करें शासक की तो कुषाण काल के अंतर्गत जो शासक था विम कडफिसेस, उसी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा विम ने तांबे के सिक्के भी चलाए, तो विम ने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलवाए। इन सिक्कों पर एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि गुदी थी। ये सिक्के थे, इनकी विशेषता यह थी कि ये सिक्के जो इसका एक पहलू था उस पर यूनानी लिपि और जो दूसरा पहलू था उस पर खरोष्टी लिपि खुदी थी। आगे बात करते हैं कनिष्क की। वहाँ तक हमने बात की कुजुल कटफिसेस और विम कटफिसेस की, अब बात करते हैं कनिष्क। जो कनिष्क था वो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे योग्य और महान शासक था। जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का सबसे योग्य और महान शासक था। कनिष्क के शासनकाल में ही कुषाण शक्ति का उत्कर्ष का काल था। जो कुषाण वंश था उसने अपना सबसे ज़्यादा शक्ति का उत्कर्ष कनिष्क के शासनकाल में ही किया। जो कनिष्क का शासनकाल था वो कुषाण वंश का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। कनिष्क के राज्याभिषेक के विषय में बहुत मतभेद हैं। जो इतिहासकार हैं उनमें बहुत सा मतभेद है कि कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ। उनका जो राज्याभिषेक है उसकी कोई फिक्स डेट कंफर्म नहीं है। इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सबसे मान्य तिथि है वो 78 ईस्वी मानी जाती है। जो कनिष्क का राजरोहण है उसके संबंध में सबसे जो मान्य तिथि जिसमें ज़्यादातर इतिहासकारों का मत एक है वो है 78 ईस्वी, कि 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण हुआ था। और ऐसा माना जाता है, इसको मान्यता इस वजह से दी गई है क्योंकि जो शक संवत था उसकी शुरुआत 78 ईस्वी में ही मानी जाती है। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो कनिष्क था उसने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष में ही शक संवत का शुभारंभ किया होगा, इस वजह से 78 ईस्वी को उसके राज्यरोहण की तिथि भी मानी जाती है। और 78 ईस्वी में ही कनिष्क ने शक संवत का शुभारंभ किया था। कनिष्क ने पुरुषपुर, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है, तो कनिष्क ने जो अपनी राजधानी बनाई वो पुरुषपुर पेशावर को बनाया। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। इसके अलावा कनिष्क ने अपनी एक और राजधानी बनाई, उस वो थी मथुरा। तो कनिष्क के शासनकाल में दो राजधानियाँ थीं, पहली पेशावर जो मुख्य राजधानी थी और दूसरी मथुरा थी। कनिष्क ने पेशावर में एक बौद्ध स्तूप और एक विहार बनवाया। कनिष्क ने पेशावर जो उसकी राजधानी थी वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए एक विहार बनवाया। जो विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए एक स्थान होता है। तो कनिष्क ने एक बौद्ध स्तूप और एक विहार कहाँ बनवाया? पेशावर में। जो ये बौद्ध स्तूप है इसकी खुदाई में, इस बौद्ध स्तूप की खुदाई से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस बौद्ध स्तूप की खुदाई से क्या क्या मिला है? बुद्ध की मूर्ति मिली है, इसमें इंद्र की मूर्तियां मिली हैं, ब्रह्मा की मूर्ति मिली और कनिष्क की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा कनिष्क का जो दरबार था उसमें बहुत ही महान दरबारी थे, जिसमें ऐसे जो उनके कवि थे वो भी एक बहुत ही महान थे, उनके जो राजवैद्य थे वो भी महान थे और इनके दरबार में वैज्ञानिक भी थे। तो इनका जो दरबार था वो बहुत ही विद्वानों से भरा हुआ था। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान, जो आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनको हम चरक के नाम से जानते हैं, वो रहते थे। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक रहते थे। चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का जो राजवैद्य था वो चरक था, और चरक एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। चरक ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है चरक संहिता। चरक संहिता पुस्तक के रचयिता चरक हैं, इन्होंने ही
चरक संहिता की रचना की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, एक महायान और एक हीनयान। तो महायान और हीनयान, इन दो शाखाओं का वर्णन जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था उस समय हमने इसकी चर्चा की थी। तो अगर आपको महायान और हीनयान की विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इसके पहला जो हमारा बौद्ध धर्म का वीडियो था, जो धार्मिक आंदोलन में हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था, वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। तो कनिष्क जो था वो महायान शाखा का अनुयायी था। ये जो लाइन है इसका धर्म, धर्म तो वो बौद्ध धर्म मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत काम किया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था, इस वजह से उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत काम किया। कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर में कुंडलवन में, जो कश्मीर का कुंडलवन है, वहाँ पर एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। तो कनिष्क के समय में ही कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसका अध्यक्ष वासुमित्र था और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और जो यहाँ पर बौद्ध संगीति की बात कही गई है, ये भी हमने इसके पहले वीडियो में जो है वहाँ पर विस्तृत रूप से समझाया है। तो कनिष्क के समय में ही कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इसका अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसका अध्यक्ष वासुमित्र था और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष था। अब बात करते हैं अश्वघोष की। अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। जो कनिष्क का दरबार था उसमें राजकवि के रूप में अश्वघोष नियुक्त थे। अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अश्वघोष की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बुद्धचरित्र, सौंदरानंद और सूत्रालंकार हैं। इसमें से बुद्धचरित्र जो है वो एक महाकाव्य है। इसमें से जो बुद्ध इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें से बुद्धचरित्र को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उसका झुकाव था। वो किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करता था। हालांकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अन्य धर्मों के बारे में उसने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया और ना ही वो किसी अन्य धर्म का विरोधी था। ऐसा कहीं पर प्रमाण नहीं मिला है कि उसने किसी अन्य धर्म के लिए कुछ रोक लगाई हो या फिर अन्य धर्मों का जो मानने वाले थे उन पर अत्याचार किए हों। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे ये कहा जाता है कि वो अन्य धर्मों के प्रति भी उसका लचर रवैया था। इसके सिक्कों पर यूनानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृतियाँ मिलती हैं। जो कनिष्क है उन्होंने जो सिक्के चलाए उसमें यूनानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृतियाँ मिलती हैं। मथुरा में कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें उसे सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। मथुरा से कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें उसको सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण मूर्ति थी जो कि मथुरा से मिली, और उसमें जो इसकी वेशभूषा थी वो कैसी थी? सैनिक वेशभूषा में थी। कनिष्क के अब तक प्राप्त सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में ही मिले हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो कनिष्क के सिक्के थे वो किस भाषा में चलाए गए। तो कनिष्क के सिक्के थे उनकी जो भाषा थी वो यूनानी और ईरानी थी। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो कनिष्क थे उनके सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा के थे। कनिष्क के तांबे के सिक्कों पर उसे बलि वेदी पर बलिदान देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क ने जो तांबे के सिक्के चलाए थे उन पर उसे जो बलि वेदी है उस पर बलिदान देते हुए दिखाया गया है। ये तांबे के सिक्कों की विशेषता थी कि उन सिक्कों पर कनिष्क को बलि वेदी पर अपना बलिदान देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क के दरबार में एक अन्य विभूति थी जिन्हें नागार्जुन कहा जाता है।
नागार्जुन जो थे वो एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे, और दार्शनिक के अलावा वो एक महान वैज्ञानिक भी थे। जो कनिष्क के दरबार में, जैसा कि हमने पहले बताया था कि उनके दरबार में जो वैद्य थे वो भी एक बहुत ही अच्छे आयुर्वेद के ज्ञाता थे, जो उनके कवि थे वो भी एक महान कवि थे, और जो उनका दरबार था उसमें जो दरबारी थे वो बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पुरुष थे। तो नागार्जुन जो थे वो एक दार्शनिक थे, लेकिन दार्शनिक के साथ साथ वो एक महान वैज्ञानिक भी थे। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। जो नागार्जुन हैं उनकी तुलना किससे की जाती है? नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नागार्जुन से रिलेटेड कि नागार्जुन किसके दरबार में कार्यरत थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में कार्यरत थे। उसके अलावा नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? तो नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। नागार्जुन की जो पुस्तक थी वो माध्यमिक सूत्र थी। माध्यमिक सूत्र में उन्होंने क्या बताया है? माध्यमिक सूत्र में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। जो माध्यमिक सूत्र था नागार्जुन की पुस्तक, उसमें उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को बताया है। तो जो इनकी पुस्तक थी उनका जो पुस्तक में जो उन्होंने वर्णन किया है वो उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो ये कुछ फैक्ट नागार्जुन के बारे में थे। उसके बाद कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कुषाण साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। जो कनिष्क थे उनकी मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद कोई भी शासक शासन चलाने में सक्षम नहीं था, और जो कुषाण वंश था वो पतन की ओर अग्रसर होने लगा। कनिष्क के बाद उसका उत्तराधिकारी वशिष्क गद्दी पर बैठा। जो कनिष्क था उसका उत्तराधिकारी कौन था? वशिष्क था। वशिष्क जो था वो कनिष्क के बाद कुषाण वंश का राजा बना। योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में कुषाण वंश का पतन हो गया। जो कनिष्क थे उनके बाद कोई भी जो उत्तराधिकारी था वो उतना प्रतापी नहीं था, और ना ही वो शासन चलाने में सक्षम था। इस वजह से कुषाण वंश का पतन हो गया। तो साथियों, ये कुछ कुषाण वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिस जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वही चीज़ संकलित की गई है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसकी अपडेटेड वीडियो आसानी से मिलती रहे। और अच्छा लगने पर आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।